हेलो। तो दोस्तों कैसे हो आप? मैं यहाँ आया हुआ हूँ जम्बेसर गौ सेवा संस्थान भंडार नाडी, जो कि यहाँ खुली गायों की सेवा होती है। यानी कि जो ये गाय हैं यहाँ पे ओपन में, यहाँ पे इस प्रकार से रोज होती है लापसी तैयार, और आज एक विशेष तौर पे लापसी तैयार हो रही है। यानी कि जो हमारे सर हैं उनकी बच्ची के हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में हो रही है लापसी तैयार। तो जानते हैं उनके बारे में कि आपको कैसा फील हुआ कि आपने हैप्पी बर्थडे का प्रोग्राम इस गायों की गौ सेवा के लिए, यानी कि गायों को लापसी खिला के आप हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो। तो दोस्तों आप भी कभी, आपने भी सोचा है क्या कि हम भी गौ सेवा करें हैप्पी बर्थडे और गायों को लापसी खिला के और उसके साथ में हैप्पी बर्थडे मनाए? तो जानते हैं इनके बारे में, बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, लापसी हो गई है तैयार। मीनाक्षी के पप्पा जी ये खड़े हैं यहाँ पे, लापसी बना रहे हैं और खुरपा हिला रहे हैं, और लापसी एकदम रेडी तैयार हो गई है। तो इनसे करते हैं बात। नमस्कार। नमस्कार सर, आप लापसी बना रहे हो, किस उपलक्ष में बना रहे हो लापसी? ये मीनाक्षी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बना रहे हैं। अच्छा, तो मीनाक्षी है आपकी बिटिया और आपकी बिटिया के जन्म के उपलक्ष्य में आप लापसी को कर रहे हैं तैयार? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो पब्लिक को? पब्लिक को कहना चाह रहे हैं सभी भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौ माता के लिए लापसी बनवावे। अच्छा, सो गाइज, मीनाक्षी के पापा जी ने बोला है कि किसी का भी बर्थडे हो और अगर आप बर्थडे विश करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से गौ सेवा करके और गौ सेवा में आप लापसी बना के भी आप विश कर सकते हो। तो अन्य भाई साहब से भी बात करते हैं जो कि यहाँ आए हैं हेल्प करने के लिए, और जानते हैं उनके बारे में। और वो भाई साहब आगे आगे खिसक रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आप यहाँ आके आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ है। अच्छा अच्छा, मीनाक्षी के जन्मदिन पर गायों के लिए लापसी बना के खिला रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सब लोगों को यही बताना चाहते हैं कि ऐसे ही गायों के लिए फालतू का जो बर्थडे पार्टी में खर्चा कर रहे हैं, अच्छा, उसकी जगह गायों को लापसी बनाकर खिलाएं। और पधार चुके हैं गो भक्त, और जानते हैं इनके बारे में। ये तो बस लेके आ गए हैं गो भक्त, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार गो सेवा के लिए हम आए और हाथ बटाए। सर नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ अच्छा, आप यहाँ आए? हाँ जी। अच्छा, रोज आते हो? कभी कभार। कभी कभार, रोज नहीं आते हैं सर। अच्छा, कभी कभार आते हैं, तो आपको रोज आना पड़ेगा आज के बाद, क्योंकि ये गो सेवा है ना, ये सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है, हम भी मानते हैं। तो चलिए खुरपा हिलाइए। सो गाइज यहाँ का लोकेशन है श्री जम्बेश्वर गौ सेवा भंडार नाडी, और यहाँ पे नर्सरी भी बनाई गई है जो कि पेड़ पौधे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे हरियाली लाई गई है। और आप देख सकते हो जम्बेश्वर भगवान का एक मंदिर भी आपको दिख रहा होगा जो कि इस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ पे भी होता है सुबह शाम आरती भजन संध्या, और यहाँ पे शब्दवाणी भी बोली जाती है। और आप यहाँ का इस प्रकार से लोकेशन देख सकते हो। साथ साथ में यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने एक बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई, और उस मुहिम के तौर पर आप देख सकते हो कि आज कितनी गाय और बैल एक साथ में इकट्ठा हुए हैं, यानी कि इनकी सेवा में लोग लगे हैं। वहाँ पे आप इस साइड देख सकते हो कि किस प्रकार जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय निवासी वो लापसी बनाते हैं। हालाँकि आज मीनाक्षी के हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में आज लापसी बनाई जा रही है। माँ आई डिड वर्क।
अगला खाना में चार चार कुंडा जाऊंगा एक खाना में चार कुंडा चिकन बन जाएगी हाँ वाह हेलो। तो दोस्तों सभी गोभक्त आ चुके हैं, यहाँ पर लापसी की हो रही है तैयारी। हालांकि लापसी तैयार हो गई है और आप इस प्रकार से यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं और जानते हैं आज लापसी किसके उपलक्ष में बनाई गई है। तो बढ़ते हैं आगे। और तो गाइस आज हैप्पी बर्थडे है मीनाक्षी का और मीनाक्षी यहाँ पे कर रही है काम, जो कि खुद हाथ बटा रही है काम में। और आप देख सकते हो इस प्रकार से गो सेवा हो रही है और लापसी हो रही है तैयार। कुछ यूं है यहाँ का लोकेशन और आप देख सकते हो यहाँ पे इकट्ठी है गाय, बैल, नंदी और छोटे छोटे बछड़े। आप देख सकते हो बाजी भी आए यहाँ पे गो सेवा कर रहे हैं। बाजी नोन प्रणाम। हाँ क्यों करो आण पहल के इंट्रोडक्शन में थे या काफी वायरल होया और लोगों ने भी जाने के एक बे जाजू दे के मार तो बे उन रिलेशन में वे काफी तार बारे में चर्चा भी चली। हाँ तो आपने केड़ो लागियो जोर लागियो एकदम। अच्छा तो गाइज जुड़ चुके हैं श्रीराम जी ढाका और आज हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष में जो यहाँ का लापसी का जो प्रोग्राम है जानते हैं इनके बारे में और बताएंगे विस्तार से। सर ये जो हैप्पी बर्थडे का जो गो सेवा चल रही है यानी कि लापसी का वो उसके बारे में बताइएगा। जी सर ये भंडार नाडी गौशाला कई एक साल से चल रही है। अच्छा वैसे तो दो तीन साल से कहा गौओं को लापसी खिला रहे हैं। अच्छा आज क्या है मेरी पोती मीनाक्षी उनके हैप्पी बर्थडे जन्मदिन जन्मदिन है उसके अवसर पे गौ माता को लापसी बना के खिलाई जा रही है। अच्छा अच्छा तो इसमें यूँ पता चले लोगों को भाई गौशाला के में अपना बर्थडे मनाते हैं नहीं बच्चे की। अच्छा उसके बहुत ही बढ़िया रहता है। अच्छा अच्छा और सर वो केक वगैरह काटते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे के मुंह पे मारते हैं वो तो गलत बात है। अच्छा वो अच्छा। गौशाला में मनाना चाहिए जो गौ माता ये अनबोल प्राणी है। अच्छा अच्छा बोलते नहीं है बोलते अनबोल... नहीं है और इनको भी एक शांति महसूस होती है इस प्रकार से गौ सेवा करने के बाद में गौ सेवा में होती है तो इसको शांति मिलती है। ये गो है ना ये गो जिस बच्ची को
आशीर्वाद देता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा, बेड़ा पार होता है, इसलिए गौशाला में मनानी बहुत बढ़िया बात है। सो गाइज, श्री राम जी के पोती का जो कि मीनाक्षी है उनका नाम, और उनके बर्थडे के उपलक्ष में आज लापसी का प्रोग्राम किया। और ये लापसी का प्रोग्राम वैसे चलता रहता है रेगुलर, और भामाशाह के रूप में दिन टू दिन ये नाम पे उनके अलग अलग टाइप का वो जो सिलसिला है वो चलता रहता है। चलता रहता है वो सिलसिला, अपने इस गौशाला में भी मना लेते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ रसगुल्ला लाएंगे। हाँ, और नमकीन भी जो भक्त है आए उसको खिलाएंगे। अच्छा अच्छा, और गौ माता को लाभ से खिलाएंगे। अच्छा, साथ साथ में आप हमारा भी मुंह मीठा करने वाले हो। हाँ, मुंह मीठा करके पेट भर के खिलाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, गौ माता की सेवा हो जाए और जो भी गौ भक्त है उनकी भी सेवा हो जाए। मतलब गौ सेवा सब बड़ी सेवा है, गौ सेवा महासेवा, महासेवा माता पिता से भी बढ़ करके गौ माता की। सही बात है, मतलब उनके समान ही गौ सेवा है। अच्छा, उनसे भी बढ़कर है। हाँ, उनके भी बढ़कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो थाव मिलियो मैं बड़ी खुशी हुई थे, मेरे दुकान वालों भाड़ो आप कर दो। दुकान वालों भाड़ो दोनों लाऊं दो। क्यों मतलब बेली पाऊं दो बेली पाऊं एम थे गवार भी हूं दुकान में माफ करना सेठ जी हो गए ओ मेरे जस गया तो उधर के गाड़ी में चढ़ा दूं फ्री। अच्छा अच्छा, बिल्कुल फ्री दे दूं गाड़ी आज। बिल्कुल, मतलब वो मान लो दिल एकदम खुश हो गया, दिल आपका गुदगुद हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, जो भी आपकी समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस, बातें करते हैं अपने गो भक्तों से और जानते हैं इनके बारे में, और यहाँ आने के बाद में इनको कैसा महसूस हो रहा है वो भी बातें जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइएगा। सुरेश ढाका। सुरेश जी ढाका, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, गौ माता की सेवा करके। अच्छा, आप लगातार सेवा कर रहे हो, और गो सेवा सबसे बड़ी सेवा। आप देख सकते हो किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे लापसी तैयार हो रही है, और गो भक्त निरंतर ये बाल्टी से लेके और इसको इसमें मिला के और पेस्ट बना रहे हैं, और आप देख सकते हो इस प्रकार का लोकेशन। आगे बढ़ते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा। प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, आपको यहाँ आके कैसा फील हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और गो सेवा करने के बाद में बहुत अच्छा आनंद आता है। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक और गो भक्त से करते हैं बातें। सर नमस्कार। नमस्ते, अपने बारे में बताइए, आपका शुभ नाम? मुकेश। अच्छा, यहाँ आप गो सेवा कर रहे हो? जी सर। और आप देख सकते हो इस प्रकार से ये भी खुरपा हिला रहे, और आपको यहाँ आके कैसा फील हुआ भाई? सर बहुत ही अच्छा। अच्छा, आनंद मतलब महसूस हो रहा है? बिल्कुल, अद्भुत ही महसूस हो रही है। फुल, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वैसे क्या काम काज करते हो? कुछ नहीं सर, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आप एजुकेशन स्टडी करते हैं? चलो अच्छी बात है, ये भी आए और यहाँ पे गो सेवा की, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का ये माहौल देख के। और गो माताएं भी इंतजार कर रही है लापसी का, और लापसी भी अभी तैयार हो गई है, आप देख सकते हो इस प्रकार से। अच्छा अच्छा, अब सब तैयारी है एकदम। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, नोन प्रणाम। गुरु महाराज ने नोन प्रणाम सभी को। हाँ। राम राम। आपका शुभ नाम? हुक्मा राम बोला। हुक्मा राम जी बोला, और हुक्मा राम जी बोला ने। हाँ। अच्छा अच्छा, और यहाँ आए आप गौ सेवा के लिए? मैं गौ सेवा ही करता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा नित्य क्रम है सुबह 5 बजे उठ के और घर की गायों को बाद में खिलाता हूँ। अच्छा। और जो आवारे कहते हैं लोग, वो आवारे नहीं है, वो गौ माता है, उनकी मैं सेवा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दूध के लिए तो हर कोई करता है। बिल्कुल, मैं पराई गायों की सेवा करता हूँ। अच्छा, मेरा अच्छा। यही करता है और प्रतिदिन का नियम है। और यहाँ आके आपको कैसा लगा? मुझे इतना आनंद हुआ है जैसे मैं वृंदावन में खड़ा हूँ। प्राउड फील हो रहा है, मैं वृंदावन में खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है मुझे? मतलब कृष्ण जी के साथ में, जैसे कृष्ण भगवान गोपियों के साथ में कैसे थे, गाय चरा रहे थे, वैसा मुझे लग रहा है। अच्छा, आज बहुत ही आनंद हो रहा है, आनंद की अद्भुति हो रही है। अरे पूछो मत, मतलब उस हिसाब से हो रही अरे है, अरे पूछो मत। अच्छा अच्छा अच्छा, कहने की कोई सीमा तक नहीं है, सीमा तक इतना नहीं। आनंदित हुआ हूँ। और आप भी डिजिटल बाबा हो? हाँ, आज का युग वैज्ञानिक युग है सर जी। अच्छा, आपको अच्छा, मालूम है ना, अब लोग चंद्रमा पे जाके जमीनें खरीद के प्लॉट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो फिर आज का वैज्ञानिक युग है, तो फिर क्या कहने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। अब 21वीं सदी चल रही है, कोई 22वीं में, और कोई 19वीं में चल रहा है, और कोई 23वीं में चल रहा है, अपना अपना एक्टिविटी एक्टिविटी के आधार। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ओके ओके, हाँ करो बोल लो।
अरे गली भाई आपका इंटरव्यू लेंगे अलग से। तो गाइस एक और मेहमान से हम इंट्रोडक्शन करेंगे जिनका नाम है खली भाई और ये है रियल खली अपने करडा के। सर अपने बारे में बताइएगा खली भाई। मैं नरेश कुमार इसमें हूँ। अच्छा और ये गौ सेवा करता हूँ डेली यहाँ। अच्छा अच्छा लापसी, वापसी गायों खिलाने आते हैं रोज हम लोग। अच्छा अच्छा और बाकी फिर क्या है मैं तो सबको ही कहता हूँ गौ सेवा करो बाकी इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। और आप इस फेट के बारे में क्या कहना चाहते हो? फेट के बारे में तो कुछ नहीं कहना है ये तो गायों की मेहरबानी है। अच्छा अच्छा नेता कौन है? मंगलवार है लाल पेरे। प्रकाश जी आ गए नए मेहमान। सो गाइस प्रकाश जी भी आ गए। प्रकाश जी जल्दी जल्दी काफी बिजी रहते आज। चलो चलो जी और एक दस ले। सो गाइस आप देख सकते हो कि किस प्रकार से छोटी गायों को यानी कि छोटे बछड़े को एक साइड किया जाता है और बड़ी गायों के लिए और बैलों के नंदी के लिए वहाँ पे अलग से इनके सो गाइस आप देख सकते हो छोटे बछड़ों के लिए यहाँ पे अंदर व्यवस्था की गई। आप देख सकते हो सबसे छोटी बछड़ी यहाँ की। हेलो चुनू मुनू कैसे हो? आपको यहाँ आके कैसा लगा? इस स्टैंड को बाहर रखा जाएगा और नंदियों के लिए और जो बड़ी गायें हैं उनके लिए वहाँ पे। सो गाइस ऐसे स्टैंड को बाहर रखा जाएगा और यहाँ पे आराम से गाय इस लापसी को चरेगी। आप देख सकते हो और कम कम आ गए उन लर जाए लर आए था हगे हगे कम कौन हगे हगे है कम कितो है दादा सुपड़े बाहर जा हेलो काम करी कौन सुनले बेटा अन बात अरे बठान खाली पड़ो नहीं कैलाश जी भी हमसे जुड़ गए हैं और कैलाश जी से बातें करते हैं। कैलाश जी नून प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नून प्रणाम जमेंद्र महाराज ने। अच्छा आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी गौ सेवा कर रहे हो? बिल्कुल गौ सेवा। और पीछे खली भाई भी आ रहे हैं। पीछे आ रहे हैं खली भाई। खली भाई खली भाई रेडी रेट है खली भाई लंबा खली भाई। सो गाइस मीनाक्षी का है हैप्पी बर्थडे और हैप्पी बर्थडे के लिए बस भी लगी हुई है। इनको भी रोका गया है और एक तरफ ये बच्चे खाएंगे रसगुल्ले यानी कि जो स्कूल में सभी स्टूडेंट स्कूल जा रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना इनको भी मीनाक्षी के हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में इनको भी रसगुल्ले खिलाए। और एक तरफ आप देख सकते हो कि एक तरफ रसगुल्ले खाएंगे बच्चे और एक तरफ गौ माताओं के लिए लापसी का जो बना के और गौ माताओं को लापसी भी खिलाई जा रही है। आप देख सकते हो सो गए छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी रसगुल्ले बांट रहे हैं इनके पिताजी जो कि है सुनील जी ढाका और ये है मीनाक्षी के पिताजी। इनकी बच्ची के बर्थडे के उपलक्ष्य में ये छोटे छोटे बच्चों को रसगुल्ले बांट रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगा। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे रसगुल्ले खा रहे हैं। छोटू क्या खा रहा है? रसगुल्ला खा रहा है। आज किसका बर्थडे है? मीनाक्षी का बर्थडे। और आपको ये रसगुल्ला एकदम मीठा लग रहा है? कैसा मीठा लग रहा है? एकदम बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट। अच्छा अच्छा ये सारे छोटे छोटे बच्चे आपको रसगुल्ला मिला? छोटू आजा। अब आपको कैसा लग रहा है रसगुल्ला प्राप्त करके? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है?
बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हो रसगुल्ले के साथ साथ में भाई साहब नमकीन भी दे रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी। आज किसका हैप्पी बर्थडे है? मीनाक्षी का। आपको रसगुल्ले मिले? मिल गए। सो गाइस आप देख सकते हो इस प्रकार से बच्चे खा रहे रसगुल्ले। रसगुल्ला एकदम मीठा है नहीं छोटू? केड़ा लगे रसगुल्ला? मस्त लग रहा है। किंग बर्थडे आज मीनाक्षी को बर्थडे। ठीक है सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अभी रसगुल्ले खा रहे हैं और छोटे बच्चों से जानते हैं और ये भी स्टूडेंट है काफी। छोटू हेलो हाय करो एक बार कैमरे के सामने हाय करो। आज किसका बर्थडे है? मीनाक्षी। मीनाक्षी का बर्थडे है और आप रसगुल्ला खा रहे हो? फर्स्ट राउंड है सेकंड राउंड है आपका? सेकंड राउंड है। अरे वाह क्या बात है भाई साहब। कैसे हो? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो आप? 11th। अच्छा 11th में। काफी बिग क्लास में पढ़ाई करते हो, सीनियर में आप तो स्टूडेंट हो। सो गाइस आप देख सकते हो ये भी भाई साहब खा रहे हैं यानी कि स्टूडेंट है और ये भी रसगुल्ला खा रहे हैं। बर्थडे के उपलक्ष में खा रहे हो ना भैया? छोटू हेलो हाय करो एक बार। छोटू दिन रसगुल्ला मिलिया? बर्थडे वाला रसगुल्ला मिलिया का? तेरे को हड़प लिया का नहीं? So guys, बर्थडे रसगुल्ले सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे गो भक्त और आप देख सकते हो सभी गो भक्त यहाँ पे आके मुंह मीठा किया बर्थडे के उपलक्ष में, मीनाक्षी के बर्थडे के उपलक्ष में। और आप देख सकते हो प्रकाश भाई गरगा गरगा मजी में उर्दू एक आधो जी मुँह। सो गाइस एक रसगुल्ला मैं भी, मेरा फर्स्ट रसगुल्ला है जो कि मैं खा के टेस्ट बताऊंगा कि कैसा टेस्ट है। ओह वाह ये तो लूनी के रसगुल्ले लग रहे हैं। तो दोस्तों मेरे साथ में विनोद जी भाई भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी भाई हाँ जी रसगुल्ले खाए आपने? हाँ रसगुल्ले खाए। तो आप भी प्रसाद ले लीजिएगा। हाँ प्रसाद लेंगे। अच्छा अच्छा मीनाक्षी आज तेरा बर्थडे हो, सब लोगों ने रसगुल्ला जिमा दिया तेरे स्टाफ ने, छोटे छोटे बच्चों को सभी को रसगुल्ले खिला दिए। स्कूल में और बर्थडे विश करना है छोटे छोटे बच्चों के साथ में करना है ना? चलो थैंक्स करो सभी को, हाय कर दो एक बार ऐसे कर दो हाय। तो गाइस पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, इनको भी रसगुल्ले खिलाएंगे। बासा पधारो रसगुल्ले की प्रसाद लो आप, आप भी रसगुल्ले खाओ, बादशाह को रसगुल्ले कराओ ग्रहण। खली भाई मतलब आपके लिए तो विशेष अलग से रसगुल्ले का पीपा जो एक्स्ट्रा पड़ा है वो आपके लिए। माय डियर खली भाई हाय कर दो एक बार सभी को हाय। सो गाइज आप देख सकते हो कि गो भक्तों को एकदम भीड़ उमड़ी हुई है और छोटे छोटे बच्चे भी बर्थडे विश कर रहे हैं। छोटो विश कर दो नहीं यार। छोटो थोड़ी मुका नमकीन अरे बोल ला बोल पड़े ना। सो गाइज सभी भक्तों ने रसगुल्ले खा लिए, फिर भी इतने बच्चे हैं रसगुल्ले और एक भी पवोर है। क्या बात कर रहे हो? ओ माय गॉड आज रसगुल्ले बहुत लाए हैं और भाई साहब ने थर्ड ऑफ राउंड में ये भाई साहब अभी लगे हुए हैं। और गाइस बासा से आगे बार राम 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 राम। हां अटे आया बर्थडे में बहुत धन्यवाद है। हां और गो सेवा बीजी का ठीक हाल है? जोरदार है। हां थोड़ा नाम? मेरा नाम जगाराम। जगाराम जी हां जी। सो गाइस जगाराम जी से मिला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस बर्थडे विश के साथ साथ में अभी पौधारोपण का भी हो रहा है काम हो रहा, देखते हैं यहाँ पे अभी पौधारोपण किया जा रहा है। आप कुछ यूँ देख सकते हो मीना जी मीनाक्षी के हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष में। गाइस मीनाक्षी के हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष में एक पौधा यहाँ पे इनके नाम से किया गया है और आप देख सकते हो सभी स्थानीय यहाँ पे गो भक्त आए और अभी पौधारोपण का शुभारंभ कर दिया है। सभी हाय कर दो एक बार। सो गाइस आप भी अपना अगर बर्थडे विश करना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो इस भंडार नाडी और बर्थडे के साथ साथ में आप एक पौधारोपण अपने नाम का कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे
इतनी सारी आप देख सकते हो नर्सरी बनाई गई है। यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 पौधे हैं अलग अलग प्रजाति के, जो कि यहाँ का आप एकदम नेचुरल ग्रीन एकदम आप देख सकते हो कि यहाँ का एक एकदम एरिया ग्रीन कर दिया है। आप देख सकते हो एक और रसगुल्ले का डिब्बा जो कि है अमूल का, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर इस प्रकार से। खांसी तेट दिशा पावड़ो तो करार पूरे है तो पावड़ो पावड़ो मेरे पड़े पड़े काम जम गयो पावड़े को गाइस मेरे काकू भी आए यहाँ गो सेवा में और उपस्थित हुए और लोगों से की बातें, और काकू के अभी एक लेनी है गाड़ी जो कि क्रेटा हम बुकिंग करा रहे हैं और उदयपुर से लाएंगे कार, और उस कार के लिए भी हम एक ब्लॉग चढ़ाएंगे और बढ़ेंगे आगे। और काकू क्या हाल चाल है? बस बढ़िया एकदम मस्त। अच्छा अच्छा You said